नमस्कार, आज घर में मैं मसाला डोसा बनाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम रिफाइंड में बन जाता है। मुश्किल से 4-5 चम्मच में ये सारा चीज तैयार होता है। चलिए बनाते हैं। डोसा के लिए ये करेंगे 4 कटोरी चावल लूंगी मैं। ये मेरे पास टुकड़ा वाला चावल अभी खत्म है, इसीलिए साबुत ले रही हूँ, नहीं तो टुकड़ा का चावल ही लेंगे। और ये 4 कटोरी चावल लेंगे और 1 कटोरी ये उड़द की दाल लेंगे। 4 और 1 का रहेगा, 4 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल। और इसको 3-4 घंटे के लिए भिंगो देंगे, 3-4 बार पानी से धो देंगे और उसके बाद पानी डाल करके भींगने के लिए छोड़ देंगे 3-4 घंटे। और तब पीस करके इसका घोल बना करके पूरी रात छोड़ देंगे। पूरी रात का टाइम ना भी हो तो 4-5 घंटे तो रहने ही देंगे, तभी ये अच्छे से बन पाएगा, खिलकर स्वाद इसका आएगा। ये जो मैं दाल और चावल दोनों भिंगाई थी 5-6 घंटे के लिए, उसको मैं पीस ली हूँ पूरी तरह और पूरी रात छोड़ दी पीसने के बाद, बारीक पीस ली। और ये ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, ये मसाल डोसा का घोल ये तैयार हो गया। इसको मैं पूरी रात छोड़ दी हूँ। आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप 4-5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इधर मैं ये 5-6 आलू बॉयल कर ली हूँ और उसको छील ली हूँ। और ये मसाला बनाने के लिए ये डोसे का, ये मैं 1 प्याज छोटा छोटा काट ली, लहसुन 8-10 ली हूँ, मूंगफली का दाना ली हूँ। अगर हमारे पास होगा मूंगफली का दाना तो लेंगे, नहीं होगा तो नहीं भी ले सकते हैं। और ये करी पत्ता ली हूँ मैं, साउथ और नॉर्थ इंडियन दोनों टच देना चाहती हूँ इसीलिए मैं। और ये थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला ली हूँ और नमक और मिर्ची मैं अपने स्वाद अनुसार डालूंगी, 1/2 चम्मच डालूंगी, आप भी अपने स्वाद अनुसार ही डालें। और अगर आप मसाला डोसा नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका प्लेन डोसा ही बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है, वो दही की चटनी के साथ। डोसा का मसाला बनाने के लिए ये आलू को इस तरह से मैश कर लूंगी, बिल्कुल पतला, बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा दाना रहे। ये आलू का थोड़ा मोटा ही मैश करेंगे और पहले कर लेते हैं, फिर कढ़ाई में इसको फ्राई करूंगी। ये पूरा आलू मैश हो गया है, ये न पतला बिल्कुल है न ये है ज़्यादा मोटा है, बीच बीच का मैं बनाई हूँ, इसी तरह का आप भी बना लें। पहले इसका मसाला मैं बना लूंगी, मसाला बनाऊंगी सरसों तेल में और डोसा बनाऊंगी बहुत कम रिफाइंड में। एक कढ़ाई गरम होने के बाद 2 चम्मच बस छोटे वाले चम्मच से रिफाइंड डाली हूँ। और इसमें सबसे पहले ये मूंगफली भूज लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, बस इसके बाद इसको निकाल लूंगी, फिर जीरे का तड़का डाल के सारा निकाल। रिफाइंड में 1/2 चम्मच जीरा डाल दी और ये लहसुन जो चिली थी वो कूट करके डाल दी। लहसुन थोड़ा गोल्डन हो जाएगा, फिर इसमें करी पत्ता डाल दूंगी और उसी के साथ प्याज कटा डाल दूंगी। करी पत्ता इसमें थोड़ा सा दूरी से ही डालेंगे क्योंकि वो उड़ने लगता है डालने के बाद। करी पत्ता के तुरंत बाद प्याज डाल देंगे। ये 1/2 चम्मच नमक डाल दी, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये गरम मसाला भी था वो भी डाल दूंगी। सबको 2 से 3 मिनट भून लूंगी, फिर इसमें मिर्ची पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालूंगी। इसको मीडियम आंच पे मैं 2 ही मिनट के लिए भूनी हूँ, ज्यादा नहीं भूनूंगी। अब इसमें ये मिर्ची डाल दी और इसी के साथ ये मूंगफली डाल दूंगी और ये तुरंत आलू जो थी वो डाल दूंगी और इस सबको भून लूंगी 2 मिनट के लिए।
गैस को बंद कर दूंगी। ये पूरा भुन गया मसाला, अब मैं डोसा आगे बनाऊंगी और गैस बंद कर दूंगी इसका। इधर मैं गैस पे ये डोसा पैन चढ़ा दी हूँ, इसको गर्म होने दूंगी और अभी मैं रिफाइंड नहीं डालूंगी, बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी। और इसी में मैं ये डोसा का घोल जो था वो डालूंगी, जितना बड़ा मुझे डोसा बनाना होगा उतना बड़ा हम डालेंगे। तो ये अब मैं गैस कम कर रही हूँ, ये अच्छे तरीके से पूरे को फैला दी हूँ। ये तेज गैस पर इस तवे को मैं गर्म की और जब ये डालने लगी तो धीमी कर दी फ्लेम को और इसको होने देंगे 2 मिनट के लिए। फिर चाहूँ तो पलटूं और ना तो बिल्कुल पतला है तो आप इसी में मसाला मिला लें, पर मैं इसको पलटती हूँ। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड डालूंगी, बस थोड़ा सा घुमाऊंगी, दो दो चार चार बूंद डाल दूंगी। और फिर अगले राउंड में भी मैं नहीं डालूंगी ये रिफाइंड, यही रिफाइंड से हो जाएगा। अब इसको होने देते हैं 2 मिनट के लिए, फिर पलटूंगी। ये हो गया है, अब फिर मैं गैस कम कर दी, 1 मिनट के लिए तेज की थी और ये सारा किनारा छोड़ने लगा और बाय चांस कहीं लगा भी रहेगा तो ये करछी से ऐसे करके किनारा निकाल लेंगे, बिल्कुल लगता नहीं है। देखिए एक ही बार में पूरा पलट गया, किनारे से थोड़ा निकल गया पर इतना पलटता है। इधर 1 मिनट रहने देंगे फिर पलट के इसमें मसाला भर दूंगी मैं। ये हो गया है, अब मैं इसको पलट दी और इसी में मसाला भरूंगी। इस हिसाब से ये मैं पलट दी हूँ फिर दूसरी बार भी और जितना मसाला हमें डालना होगा उतना हम मसाला भर लेंगे और इसको मोड़ दूंगी। ये हो गया, इसको मैं निकाल लूंगी अब प्लेट में। ये देखिए, अब एक बार मैं दूसरा भी बना करके बताती हूँ। कभी कभी ये भी हो जाता है कि एक चिपक जाता है तो उससे परेशान ना हो, दूसरा बिल्कुल सही निकलता है। और मैं फिर रिफाइंड नहीं डालूंगी, इसी में ये घोल डाल करके बनाऊंगी। जितना बड़ा हमें चाहिए उतना बड़ा। अब फिर इसके ऊपर मुश्किल से छोटे वाले से आधे चम्मच हम डाल देंगे रिफाइंड। और एक चीज मैं और बताती हूँ, ये मैं लोहे की रोटी वाली तवा जो होती है उस पर भी बिल्कुल आराम से बन जाता है, बस उसका तवा ठीक से गर्म होना चाहिए। कभी डोसा वाला पैन नहीं है आपके पास तो उस पर भी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये घर में बन जाता है और बहुत स्वादिष्ट बनता है ये। इसको थोड़ा सा घुमा देंगे ऐसे करके, जो इसका रिफाइंड थोड़ा जहाँ नहीं जा पा रहा है वो उधर भी चला जाए। ये किनारा छोड़ते जा रहा है, इसी तरह से आराम से गैस कम करके इसको निकाल लेंगे। ये हो गया पूरा, एक ही बार में पूरा मैं पलट दी। ये मेरा दोनों बहुत अच्छे से निकल गया है।
बनकर तैयार हो गया है, आप भी बनाइए। ये मसाला डोसा बनकर तैयार हो गया है, आप भी घर पर बनाइए बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये मसाला डोसा दही की चटनी के साथ, चने दाल की चटनी के साथ, मूंगफली की चटनी के साथ, कुछ भी आप खा सकते हैं, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है।